हेलो नमस्ते मैं रिकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का त्रिपलेट हीलिंग में स्वागत करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे मेरा चैनल बेस्ड है रिकी क्रिस्टल तथा एंजल नंबर्स पे आज का मेरा विषय है फिरोजा रत्न या टर्कोइस क्रिस्टल फिरोजा या टरकोइस अच्छे भाग्य को आकर्षित करता है सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है तथा हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है वैसे तो तुर्क में ईरान में और इस्लाम धर्म में इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और पहना जाता है फिरोजा अकीक के रूप में लेकिन ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है हर कोई इसे पहन सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है हीलिंग के तौर पर या फिर अच्छी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए या सफलता को पाने के लिए भारत में भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था राजा रानियों के मुकुट में उनके आभूषणों में और सिंहासनों में तथा उनके हथियारों में उसको जुड़वाया जाता था सकारात्मक ऊर्जा के लिए सफलता के लिए और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इसको पहना जाता था तथा पसंद किया जाता था फिरोजा रत्न हमारे थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ है लेकिन वो हार्ट चक्र को तथा हमारे थर्ड आई चक्र को भी एक्टिवेट करता है उसको संतुलित करता है और उसकी जुड़ी हुई तकलीफों से हमें दूर करता है हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाता है उस छटा को बढ़ाता है और आत्मविश्वास को लाता है और सफलता को भी लाता है हर एक प्रकार की नेगेटिविटी से आपको दूर करता है फिरोजा रत्न अगर आपके जीवन में परेशानी है कोई उलझन है तो उसको सुलझाता है तथा अच्छे भाग्य को आकर्षित करता है इससे पहनने वाला इंसान आत्मविश्वास से भर जाता है और अगर किसी चीज से उसे डर लगता है तो वो डर को भी फिरोजा दूर करता है और आपके जीवन को आ, आसान करता है आपकी तकलीफों को कम करता है और आपको प्रोटेक्ट करता है फिरोजा रत्न रिश्तों में सुधार लाने का भी काम करता है और कहा जाता है कि अगर कोई किसी को अनजाने में फिरोजा रत्न देता है कोई लड़की या लड़का स्त्री या पुरुष तो कहा जाता है कि उन लोगों का रिश्ता रूहानी होता है आत्मीय तौर पे होता है और इतना गहरा पवित्र और पाक होता है कि जो कभी नहीं टूटने वाला बंधन जो ईश्वर ने खुदा ने बनाया है इतना अच्छा उन दोनों का रिश्ता होता है उतना मधुर और पवित्र रत्न हर कोई पहन सकता है और हर कोई इसको, इसको इस्तेमाल कर सकता है ज्वेलरी के तौर पे आप ब्रेसलेट पैंड रिंग किसी भी तरह पे इसको पहन सकते हो या अपने साथ रख सकते हो बौद्धिस्ट मतों में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हीलिंग प्रॉपर्टी के तौर पे प्रेयर व्हील में उसको लगाया गया होता है बौद्धिस्ट जो हिलिंग की प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और हीलिंग पाई जाती है चिकित्सा तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फिरोजा रत्न आप किसी हीलर के द्वारा चार्ज कराएं और उसके बाद पहने तो और भी ज़्यादा अच्छा आपको इफ़ेक्ट देगा या उतना जल्दी आपको परिणाम देगा कोई भी रत्न हो फिरोज़ा हो या फिर कोई भी रत्न अगर आप पहने तो उसको आप महीने में जब पूर्ण पूर्णिमा की चांदनी होती है तब पूरी रात उसको चांदनी में रखें पूरी रात नहीं तो कुछ घंटे आप उसको चांदनी में रखें और उसको चार्ज करें या फिर महीने में एक बार उसको धूप दे सकते हो किसी एसेंशियल ऑयल से उसको साफ़ कर सकते हो ऐसा करने से वो फिर से ऊर्जावान हो जाएगा और फिर से आपको अच्छा रिजल्ट देगा उसको बार बार चार्ज करने वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको धूप देते हो या चांदनी देते हो एक बार आपने चार्ज करवाया किसी हीलर के उसके बाद बार बार उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं रहती है अगर उसको आप चांदनी देते रहते हो या फिर सूर्य की ऊर्जा या फिर एसेंशियल ऑयल और धूप दोगे तो वो अपने आप ही चार्ज हो जाएगा फिरोज़ा रत्न आपके भाग्य को बढ़ाता है आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है आप में जो भी कार्यशैली आप में जो अच्छी है उसको और ज़्यादा गहरा बनाता है और ज़्यादा आपको काबिल बनाता है और आपके कार्य को निखारता है आप अगर कोई आर्ट से जुड़े हुए हैं कोई आर्ट से जुड़ा हुआ काम करता है या फिर फिल्मों में है गायक कला में है डांसिंग कला में नृत्य में है पेंटिंग करता है कोई भी कलाकार हो उसको पहनता है तो उसकी कला को और ज़्यादा निखारता है उसके व्यक्तित्व को बढ़ाता है उसके चेहरे में चमक लाता है तथा उसके व्यक्तित्व तौर पे भी आत्मविश्वास लाता है उसकी कार्यशैली को बढ़ाता है उसके जीवन में उन्नति को लाता है प्रगति को लाता है फिरोजा रत्न फिरोजा रत्न आपको सफल बनाता है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है आपकी परेशानियों को दूर करता है आपको नेगेटिविटी से दूर करता है अच्छे भाग्य को आकर्षित करता है आपको किसी भी तरह के डर से दूर करता है और आप में जो क्वालिटीज़ है आप में जो कला है उसको बाहर लाता है उसको बेहतरीन बनाता है तो ये अलग अलग फ़ायदे हैं फिरोजा रत्न को पहनने के या अपने पास रखने के तो दोस्तों आज की मेरी कोशिश थी फिरोज़ा या टर्कोइ के बारे में जानकारी देने की उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल थैंक यू